चलिए आज हम सब मिलके एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी एक वो पेशेंट की जिसने दिन रात एक हॉस्पिटल में गुजारे, इतने दिन हॉस्पिटल में गुजारे कि उसको जीने की उम्मीद ही ना रही। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके साइड पे बेड पे और एक पेशेंट आ चुका है। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो गया और जो साइड में जो पेशेंट आया था वो बोला, यार तू अपनी जीने की उम्मीद ना खो, देख बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। और वो खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया और उस पेशेंट को बताने लगा, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, धीमे धीमे बारिश भी हो रही है। दूसरे दिन बोला, आज आसमान खुला है, आज सूरज निकल आया है, कुछ फूल दिख रहे हैं। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और अचानक से एक दिन उस पेशेंट ने देखा कि उसके जो साइड वाला बेड है वो तो खाली हो चुका है। वो नर्स को पूछता, ये साइड वाले बेड पे जो एक पेशेंट था वो कहाँ गया? नर्स उनके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, सर आपको पता होगा कि उनके पास तो कुछ ही दिन थे। फिर भी वो हंसते खेलते रहे। ये सुन के पेशेंट बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन पेशेंट में एक उम्मीद ज़रूर जागती है और वो बोलता है कि मुझे ये बाहर की दुनिया देखनी है। कैसे वैसे वो बेड से उठता है, नीचे गिरता है, धीरे धीरे जाके उस खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के एक नर्स वहाँ आ जाती है और पूछती है, सर क्या हुआ? वो बोले, आपने इस खिड़की के सामने इतना बड़ा काली दीवार क्यों बना दी? तो नर्स बोलती है, सर मैं यहाँ पे बहुत सालों से काम करती हूँ और मुझे पता है कि ये दीवार तो सालों से है। तब जाके वो पेशेंट को समझ में आता है कि वो जो साइड पे बेड पे आने वाला जो पेशेंट था उसने उसके दिल में एक जीने की उम्मीद जलाई, उसको एक उम्मीद दी कि दुनिया बहुत सुंदर है, एक दिन तुम ठीक होगे और ये दुनिया देखोगे, तुम्हारे में वो आग जला दी कि तू खड़ा हो जा खिड़की के सामने और बाहर क्या हो रहा है ये देख ले। याद रखिए, अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर है। हम एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक वेपन की तरह है, ये किसी को होप दे सकता है या किसी का होप छीन सकता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हम पॉजिटिव सोचने से, क्या हम पॉजिटिव देखने से, क्या हमने पॉजिटिव बोलने से बाहर की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी? वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरों को उम्मीद देंगे, तब एक जीने की उम्मीद जाग जाएगी। अगर आज हम किसी को उम्मीद दे सकते हैं तो लेट्स गिव होप टू ईच अदर। थिंक अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, थिंक अबाउट व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, थिंक अबाउट व्हाट इज यू आर पुटिंग ऑन योर फेसबुक, लिंक्डइन, एवरीवेयर। लेट्स गिव होप टू पीपल।